भारी बारिश से पहाड़ भी दरक रहे हैं। पहाड़ों के टूटने से उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा मुश्किल में पड़ गई है, जहां पर दो गाड़ियां पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गई हैं और सैकड़ों लोग फंस गए हैं। भारत में मॉनसून आते ही ये तस्वीरें सामने आने लगती हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की तस्वीर है, जहां तेज बारिश में नदी के पास बनाए घर उसी में समा गया। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पुल भी टूट रहे हैं। ऐसा ही एक पुल आपके सामने है, जिसके पानी में बहने से आसपास का इलाका पूरी तरह से कट गया। अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें नदी के ऊपर एक अस्थायी पुल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि राहत और बचाव में लगी एजेंसियों की ये कोशिश नाकाम हो जाती है। ईटानगर से 20 किलोमीटर दूर असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से भारी तबाही देखने को मिल रही है। ये एक फोर लेन हाईवे की तस्वीर है, जिस पर पत्थर गिरने से ये पूरी तरह से बंद हो गया। अरुणाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में बारिश पहाड़ों के टूटने की वजह बन रही है। आपके सामने ये उत्तरकाशी जिले की तस्वीर है, जिसका गंगोत्री नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। करीब 5 घंटे तक ये हाईवे पूरी तरह से बंद रहा। इस हादसे में आंध्र प्रदेश के एक तीर्थ यात्री की मौत हो गई। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के आसपास के इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों के अलावा श्रद्धालुओं को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में अभी कोई कहीं वर्षा नहीं हो रही है। इसी क्रम में आज दिन में स्वारीघाट में कुछ समय के लिए रोड अवरुद्ध हुआ था, जिसे बीआरओ द्वारा सुचारू किया गया है। और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक व्यक्ति के पत्थर से पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण सर में चोट लगने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब ये चमोली की तस्वीर देखिए, जहां पर भी भारी बारिश हो रही है। मानसून की वजह से चार धाम यात्रा मुश्किलों में है। 24 घंटे में 2 बार पत्थर गिरने से यहां पर 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हादसे में 1 राहगीर भी घायल हो गया। चमोली पुलिस के अनुसार पहला हादसा बुधवार शाम को हुआ, जब बद्रीनाथ के दर्शन करने आ रहे यात्रियों की गाड़ी पर अचानक पत्थर गिर गया। इससे गाड़ी में बैठे 2 लोग तो बच गए, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। चमोली में ही दूसरा हादसा गुरुवार दोपहर में हुआ, जिसमें यूपी से आए श्रद्धालुओं की गाड़ी पर पत्थर गिरने से ड्राइवर घायल हो गया। पहाड़ों पर बारिश के दौरान पत्थर गिरना आम बात है, इसीलिए मानसून के मौसम इन इलाकों में चलने वाली गाड़ियां और राहगीर इसकी चपेट में आते रहते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ये देखिए बारिश से किस तरह से घरों में दरारें आ गई हैं। पिथौरागढ़ में मकानों के आंगन टूट गए हैं। इलाके की दर्जन भर से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है, जिसके कांगड़ा में तेज बारिश और हवा चलने से ये पेड़ गिर गया। ये कांगड़ा का SGM कैंपस है, जहां पर पुराना पेड़ गिरने से उसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। ये देखिए SGM कैंपस में खड़ी 3 गाड़ियां पेड़ गिरने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भारत में कोई भी पहाड़ी राज्य हो, वहां पर भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस तरह के हादसों में लोग भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। मानसून के दस्तक देते ही लोगों को सुकून देने वाले देश भर के पहाड़ खतरनाक हो जाते हैं। इस हालत की एक बड़ी वजह सड़क और पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए होने वाले विस्फोट और उनमें होने वाला कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा पहाड़ों पर तेजी से पेड़ काटने का खामियाजा मानसून सारा देश भुगतता है। आज तक ब्यूरो।